हेलो, यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन आईक्यू। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो लास्ट टाइम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया था, अब उसके लिए पार्ट टू लेके आया हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, ताकि इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। अगर वो थ्योरी पोर्शन आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो ये न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। लेवेस्टेंट के लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल था, तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैं सोल्व कराऊंगा। अगर वो थ्योरी पोर्शन आपने अच्छे से देखा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। निम्न परिपथ में आर एक्स अज्ञात प्रतिरोध है और आर वी आर बदला जा सकता है। ये अननोन रेजिस्टेंस, इसको वेरिएबल है, इसको चेंज कर सकते हैं। जब आर वी आर 12 ओम होता है, जब इसकी वैल्यू 12 ओम रखी जाती है तो एमिटर में धारा शून्य हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एमिटर में धारा शून्य मतलब व्हीटस्टोन बैलेंस फॉर्म में, और यही तो चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है ताकि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सके। अब फ्रेंड्स, आपको ये फोटो इस तरीके से दी है क्वेश्चन में, तो मैं इजीएस्ट फॉर्म में आपको समझाऊं जिस तरीके से मैंने पार्ट वन में समझाया था, तो कुछ इस तरीके से इसका इमेज बनाएंगे ये। अब लास्ट टाइम फ्रेंड मैंने समझाया था, इसको पी यू कंसिडर किया था, इसको क्यू आर और एस। तो फ्रेंड्स, अपन को ये जो क्वेश्चन में फोटो दी गई है उसको कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बैटरी है, करंट फ्लो हुआ, जंक्शन से करंट आई वन यहाँ गई, आई टू यहाँ, ठीक है फॉर्म। तो ये इसके बाद फ्रेंड सॉल्यूशन करते हैं इसका, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को सबसे पहले अपन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए वोल्टेज दोनों तरफ इस बी पॉइंट और ए पॉइंट पे सेम किया था, ताकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो। और इसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड, ये लास्ट टाइम मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैंने इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ही बनाया ताकि आपको इजी लगे। अब फ्रेंड दे रखा है, जब वी आर 12 ओम है होता है तो अमीटर में धारा शून्य है। अमीटर में धारा शून्य मतलब क्या? संतुलित अवस्था में यह आ गया है, और यही चाहिए। संतुलित अवस्था में आ गया है तो लास्ट टाइम जो इक्वेशन फॉर्म की थी वो कुछ इस तरीके से थी, आर बाय पी इज इक्वल टू एस बाय क्यू, जिसमें हमारा एस अननोन था, अननोन। ओके फ्रेंड, तो यहां पर इस तरीके से इसको मैंने बनाया है। तो आप देखिए फ्रेंड, पी 1.5 ओम, आर 6 ओम, आर एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और आर वी ए आर जो आपने जो इस क्वेश्चन में दी गई है, आर वी ए आर जब 12 ओम होता है तब ये बैलेंस फॉर्म में होता है। तो आर वी ए आर की वैल्यू भी मिल गई 12 ओम। इस इक्वेशन में आर पी और एस की वैल्यू रख के अननोन रेजिस्टेंस क्यू फाइंड करेंगे, कुछ इस तरीके से रखें, इसको काटें इससे 2 बार, और क्यू की वैल्यू 1.5 × 2 इज इक्वल टू 3 ओम, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, जिस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, राइट होगा 3 ओम। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।